मुरादाबाद के कांट रोड विकास भवन स्थित कार्यालय पर मौजूद रहे मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ एक बैठक में प्रतिभाग किया गया और सभी को ये निर्देश दिए गए कि वर्षा का मौसम करीब है, ऐसे में वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए एवं जो पानी की बेवजह बर्बादी हो रही है उसको रोकने के लिए सभी युद्ध स्तर पर जुट जाएं और बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करें। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ग्राम पंचायतों में जो सरकारी हैंडपंप लगे हैं उन हैंडपंपों के द्वारा जो पानी का इस्तेमाल हो रहा है और जो पानी नालियों में बह रहा है वह पानी खराब न जाए, इसलिए उन हैंडपंपों के पास छोटे छोटे सोखते बनाए जाए ताकि उस पानी का दोहन ना हो और सोखते के द्वारा वह पानी दोबारा से जमीन में जा सके। इस दौरान उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जिन ग्राम पंचायत में तालाब हैं, उन तालाबों की देखरेख पर काम किया जाए, उन तालाबों में वर्षा का जल संचित संरक्षित रहे, इस बिंदु को लेकर काम किया जा रहा है। अभी कैच द रेन के संबंध में जो है सभी संबंध के साथ मीटिंग करी गई थी, सभी के द्वारा अपनी अपनी कार्य योजना इसमें प्रस्तुत करी गई है। जैसे लघु सिंचाई है, उनके द्वारा बताया गया कि वो 5 चेक डैम है, नए चेक डैम बनाएंगे, 2 मरम्मत करेंगे। जो ग्राउंड वाटर वाले एक्सचेंज साहब हैं उनके द्वारा कार्य योजना प्रस्तुत करी गई, उनके द्वारा बताया गया कि 5000 वर्ग मीटर में वो लोग इस वर्ष जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। इसी तरीके से अन्य विभागों के द्वारा भी अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करी गई है। इसमें जिला पंचायत राज अधिकारी से अपेक्षाएं की गई हैं कि जो हमारे हैंडपंप हैं ग्राम पंचायतों में उनमें नियमानुसार सोकपिट बनवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाया जा सके। एवं हमारा जो बिलारी ब्लॉक है वो अभी डार्क जोन में है, उनके जो पंचायत भवन है उनके ऊपर नियमानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल को हम बचा सकें और हमारा जो बिलारी जो ब्लॉक है डार्क जोन से वो बाहर